Hello and welcome to Inspiring Mind Biology Lecture by Dr. Hemendra. ये हमारा थर्ड लेक्चर है ऑन द टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड. हमने पहले दो लेक्चर्स में कुछ लिविंग कैरेक्टर्स एंड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं. आज का लेक्चर उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन है और अब हमने कुछ और टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड सीखने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स करने हैं आज के लेक्चर पर. जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने हैं, आप काइंडली इसके फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो को यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं. एंड जिन्होंने ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट्स को कर लिया है वो आज के लेक्चर के लिए बिल्कुल तैयार है. ठीक है, सो हम आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं. पहला टॉपिक जो हमने करना है दैट इज सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक टर्म क्या है? बेसिकली अगर मैं सिस्टमैटिक की बात करूँ तो आपने ये टर्म को डिफाइन करना है. और ये जो पहला बुलेट पॉइंट आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसका काम है फाइलोजेनीज को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसे नेम करना एंड स्पीशीज को क्लासिफाई करना. दैट मीन्स बेसिक फंक्शन क्या है? फाइलोजेनी असर्टेन करना, नेमिंग, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें सिस्टमैटिक में होती हैं. ठीक है, ये जो टर्म सिस्टमैटिक है इसे कॉइन किया था लीनियस ने एंड क्रिम्सन ने. डिस्टिंग्विश किया था सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन को. ठीक है, तो हमने इन साइंटिस्ट को इन टर्मिनोलॉजीज के साथ एसोसिएट करके इन कॉन्सेप्ट के साथ इनके ईयर्स के साथ हमने लर्न करना है. ठीक है, जूलियन हक्सली ने 1940 में न्यू सिस्टमैटिक टर्म प्रपोज किया था. ठीक है, अब सिस्टमैटिक में हमने किसकी बात की थी? फाइलोजेनीज की, कंस्ट्रक्शन की, नॉमेनक्लेचर की एंड क्लासिफाइंग स्पीशीज की. जो जूलियन हक्सली ने टर्म दिया है न्यू सिस्टमैटिक, इस टर्म्स में अगर मैं डीलिंग की बात करती हूँ तो ये जो न्यू सिस्टमैटिक है ये डील करता है सारी डाइवर्सिटी को स्टडी करने में. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमने उनकी कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेस करना है, उसकी एनाटॉमी, उसकी इकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बेस करके उन्हें क्लासिफाई करना है. ठीक है, सो जूलियन हक्सली 1940 टर्म न्यू सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक कॉइन बाय लीनियस. अब ये दो टर्म्स सिमिलर हैं, बस वो न्यू वर्ड दोनों के साइंटिस्ट में डिफरेंस लाता है. तो हमने इन दोनों टर्म्स एंड साइंटिस्ट को मिक्स नहीं करना. दैट इज टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट? अब हमने अगला टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज टैक्सोनॉमी. ये टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे नॉमेनक्लेट करते हैं एंड देन उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि चीज़ों को क्लासिफाई करना ज़रूरी है. क्यों क्लासिफाई करना ज़रूरी है? ताकि उनकी स्टडी ईजी कर सके. फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उनके कैरेक्टर्स का मुझे पता होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर्स नेमिंग. तो हमने ये तीन पैरामीटर्स टैक्सोनॉमी के अंदर डील करने हैं, राइट? अगर मैं टैक्सोनॉमी की बात करती हूँ तो ये टर्म कॉइन किया था एपीडी सैंडॉल ने. तो यहाँ पे फिर साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पे. ठीक है, सो टैक्सोनॉमी के साथ हमने लर्न करना है क्या साइंटिस्ट का? एपीडी सैंडॉल, राइट? फिर कार्लस लीनियस. कार्लस लीनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहेंगे एंड फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी. ठीक है, सो कार्लस लीनियस इज अगेन अ वेरी वेल नोन फिगर. देखो फर्स्ट चैप्टर में मोर और लेस ज़्यादातर इंस्टांसेस में हमें कार्लस लीनियस के ही बताए हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं एंड ज़्यादातर जो भी डिस्कवरीज हैं उनके साथ हम इनके नाम को एसोसिएट करते हैं. ठीक है, कार्लस लीनियस इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट
factual question. Next, हम बात करते हैं सांता पाव की. He is known as father of Indian taxonomy. Now again, it is father of taxonomy. This is father of Indian taxonomy. So we should not get confused between the two. It is taxonomy and this is Indian taxonomy. Scientist name again. Factual question. नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. हायरार्की क्या होती है? हायरार्की इज अरेंजमेंट. अगर मैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करती हूँ तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम क्या करते हैं? बेसिकली अगर मैं चीज़ों को क्लासिफाई करने की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग रैंक्स या कैटेगरीज हम बनाएंगे. ठीक है, तो ये जो रैंक एंड कैटेगरीज हम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में पढ़ते हैं. ठीक है, अगर मैं टैक्सोन को डिफाइन करने की बात करूँ तो टैक्सोन क्या है? एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप किसी भी रैंक का, और इस टैक्सोनॉमिक ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं, रियल हैं, एंड उनको हमने एक कैटेगरी को असाइन किया है. बेसिकली वो एक रैंक या एक लेवल को बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ, हायरार्की की बात करती हूँ, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं इन चीज़ों को समझने के लिए. तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बेसिकली क्या होगा, हमने अलग अलग स्टेप्स क्रिएट करने हैं. इन स्टेप्स में हमने अलग अलग कैटेगरी से एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्लासिफाई करना है. ठीक है, तो अब ये एक पिरामिड है. इस पिरामिड में देखो, हमने जो बेस क्रिएट किया है दैट इज कॉल्ड किंगडम. उसके ऊपर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब इस पिरामिड को हमने किस तरह से अपने क्वेश्चंस पे यूज करना है? पहला तो ये एक अरेंजमेंट है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का. ठीक है, दिस इज दी हायरार्की. एंड इस हायरार्की को हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें तो इट इज सिमिलैरिटी आगे जाते जाते कम हो जाएगी. लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो जाएंगे. अब ये पिरामिड एक स्पेशल इंडिकेशन है कि किस तरह से हमने चीज़ों को अरेंज करना है. जो हाईएस्ट रैंक है इस हायरार्की में वो मिला है किंगडम को. ठीक है, तो हाईएस्ट रैंक इज अटेंड बाय किंगडम. अब ये किंगडम अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूँ तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम को असटेन करता है, उसके बारे में बताता है. ठीक है, अब अगर मैं किंगडम्स की बात करूँ तो किंगडम एक बड़ा जोन है, इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मोर. हेंस हमने इस पिरामिड में किंगडम्स को सबसे नीचे रखा है. जैसे जैसे हम असेंड करेंगे, बाकी ग्रुप्स को पार करेंगे, हम पहुँचेंगे टिप पे. द टिप इज ऑक्यूपाइड बाई स्पीशीज. अब अगर मैं स्पीशीज की बात करती हूँ, स्पीशीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होंगे लेकिन सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है. तो हाईएस्ट ऑर्डर इज किंगडम एंड द लोवेस्ट वन विद मैक्सिमम सिमिलैरिटी इज स्पीशीज. अब इन टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज को हमने याद रखना है क्या सीक्वेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. अब यहाँ पे ये जो फाइलम है, दिस फाइलम कैन बी रिटन एज डिविजन ऑल्सो. अब ये फाइलम डिविजन कब हो जाएगा? जब मैं प्लांट्स की बात करती हूँ. पूरी हायरार्की सेम होती है, बस जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम के बाद हम टर्म फाइलम यूज़ नहीं करते, बल्कि हम टर्म यूज़ करते हैं डिविजन. एंड फाइलम टर्म यूज करेंगे हम एनिमल्स के लिए, राइट? अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है ये प्लांट किंगडम के हिसाब से लिया है. ठीक है, सो किंगडम के लिए अगर मैं बात करूँ तो कोई डेफिनेट सफिक्स नहीं है. लेकिन ये हमने किंगडम के बाद फाइलम लिखने की बजाय क्या लिखा है?
division, and इस division में जो suffix follow होता है, that is either phyta या spermy. Class के लिए term होगा ne या opicida. Order के लिए eos, family के लिए ac. Genus के लिए भी कोई definite suffix नहीं है, and species के लिए भी कोई definite suffix नहीं है. अब ये suffixes हमने learn करने हैं. These suffixes can be an objective question. ये arrangement can be an objective question. ये जो 7 basic divisions है ये हमने learn करने हैं. लेकिन इनके बीच में भी कुछ और subdivisions होती हैं, जैसे sub family, sub class या tribe. ये objective questions के end पे हम at the end of the topic discuss करेंगे, right? ओके, अब हमने जो पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस की है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हमने उन्हीं कैटेगरीज को अब यहाँ पे लैबोरेट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आती है? स्पीशीज. अब स्पीशीज क्या है ये हमने डिफाइन करना है. स्पीशीज क्या होती है हमें ये समझना. बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिलैरिटीज होती हैं उनको हम किसके अंडर कंसिडर करेंगे? स्पीशीज में, ठीक है? हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे मैंगिफेरा इंडिका. मैंगिफेरा इंडिका हमने पहले डिस्कशन में डिस्कस किया था, मैंगो का बायोनोमियल नेम है, ठीक है? अब इस केस में जो इंडिका टर्म है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कहाँ की स्पीशीज है. अब कॉन्सेप्ट याद है हमें कि जब भी हम बायोनोमियल नेम लिखते हैं हमारा स्पेसिफिक वर्ड जो है वो किससे शुरू होता है? देखो, यस, स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, ठीक है? सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, दे बिलोंग टू वन स्पीशीज. हेयर इन दिस एग्जांपल इंडिका इज द स्पीशीज, ठीक है? जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनके कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं उनको हम एक जीनस का पार्ट मानेंगे, ठीक है? सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विल बी कॉल्ड जीनस. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिया है पैंथेरा. पैंथेरा इज अ जीनस. अब हम तीन ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे, लायन, लियोपर्ड एंड टाइगर. लायन इज लियो, लेपर्ड इज पार्डस, टाइगर इज टिगरिस. ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं लियो, पार्डस एंड टिगरिस, ये इनके स्पेसिफिक टर्म है. लेकिन अगर मैं इनका बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्लोजली ऑब्जर्व करूं, तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट नेम बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से है दैट इज सेम फॉर ऑल द थ्री स्पीशीज. पैंथेरा, लायन इज कॉल्ड पैंथेरा लियो, लियोपार्ड इज कॉल्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर इज कॉल्ड पैंथेरा टिगरिस, ठीक है? तो इन तीनों के लिए हमने टर्म क्या यूज किया है? पैंथेरा. एंड पैंथेरा हेयर इज द जीनस. सो जो रिलेटेड मेंबर्स हैं, रिलेटेड स्पीशीज हैं जिनके कैरेक्टर्स कॉमन हैं, दोज विल फॉल अंडर सेम जीनस. ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिलैरिटी है वो स्पीशीज को इंडिकेट करेंगे, रिलेटेड स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? जीनस, ठीक है? सो पैंथेरा यहाँ क्या है? एक जीनस. और ये किन तीन रिलेटेड स्पीशीज की बात कर रहा है? लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, जिनको हम पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टिगरिस कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ऑब्वियसली जीनस के बाद अगर फैमिली आएगी तो फैमिली किसकी रिलेशन से बनेगी? प्रीवियस ग्रुप की, दैट इज रिलेटेड जनराज विल फॉर्म द फैमिली, ठीक है? अब इसके लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? जीनस सोलानम, ट्यूनिया एंड रितुरा. ये तीनों जीनस के मेंबर्स एक फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड द नेम ऑफ द फैमिली इज सोलनेसी, ठीक है? सो तीन डिफरेंट कैटेगरी के मेंबर्स, तीन जेनरास, डिफरेंट जेनरास के मेंबर्स जिनमें आपस में कोई सिमिलैरिटीज या रिलेशन है वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं. एंड यहाँ पे इन तीन रिलेटेड जेनरास को कौन सी फैमिली का पार्ट मानेंगे हम? सोलेनेसी. सिमिलरली जिस तरह से रिलेटेड जेनरा फैमिली बनाते हैं, रिलेटेड फैमिलीज का क्या बन जाएगा? ऑर्डर, ठीक है? सो
एक ग्रुप रिलेटेड फैमिलीज का एक ऑर्डर कंस्टिट्यूट करता है। जैसे एग्जांपल्स हैं फैमिलेसी, कॉन्विलेसी, सोलनेसी, ये सारे एक ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, पॉलीमोनियल्स। सिमिलरली रिलेटेड ऑर्डर्स क्या बना देंगे? क्लास। यस करेक्ट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स विल फॉर्म दी क्लास। एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं, ऑर्डर प्रिमाटा एंड कार्निवोरा, ये दोनों ऑर्डर्स किस क्लास को बिलोंग करते हैं? क्लास ममेलिया। ठीक है, सो रिलेटेड ऑर्डर्स विल फॉर्म दी क्लास। नेक्स्ट कम दी फाइलम। जिस तरह से रिलेटेड ऑर्डर क्लास बनाते हैं, रिलेटेड क्लासेस क्या बनाएंगी? फाइलम। जैसे क्लास ममेलिया, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सारे किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस फॉर्म अ फाइलम। एंड द लास्ट मेंबर ऑफ द हायरार्की इज किंगडम। ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइलास विल फॉर्म द किंगडम। अब पिछले एग्जांपल में हमने फाइलम टर्म यूज किया है, जहाँ पे हमने रिलेटेड क्लासेस की बात की और ये सारी एनिमल क्लासेस हैं, तो ये सारी रिलेटेड क्लासेस मिलके जब फाइलम बनाएंगी, इसी तरह से रिलेटेड फाइलम्स मिलके क्या बनाएंगे? किंगडम। एंड जितने भी एनिमल्स हैं वो इस किंगडम का पार्ट होंगे। ठीक है, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर इज हाईएस्ट ऑर्डर इज किंगडम, जहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है एंड सिमिलैरिटी सबसे कम। जो सबसे बेसिक है दैट इज स्पीशीज, जहाँ पे सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ मेंबर्स सबसे कम। ठीक है, और बाकी के जितने भी इन बिटवीन लाइन क्लासेस हैं वो अपनी ऊपर वाली क्लास से रिलेटेड मेंबर्स से बनी हैं। सो ग्रुप ऑफ स्पीशीज विल मेक जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस विल मेक फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिलीज विल मेक ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स विल मेक क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस विल फॉर्म फाइलम एंड ग्रुप ऑफ फाइलम्स विल फॉर्म द किंगडम। सिमिलरली ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस इन प्लांट्स विल बी कॉल्ड डिविजन। राइट, सो ये जो हायरार्की है ये हमने लर्न करनी है। डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं दोज आर टू बी लर्न्ड। प्रीवियस स्लाइड में हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्कस किए थे। ठीक है, इस स्लाइड में हम कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल्स के तौर पे एंड कॉमनली आस्क क्वेश्चन जिससे होते हैं उन एग्जाम्पल्स को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे मैन। ठीक है, तो अगर मैं मैन की बात करती हूँ तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो उसके जीनस को इंडिकेट करता है एंड सेपियंस इज दी स्पीशीज। ठीक है, सो जीनस इज होमो, स्पीशीज इज सेपियंस। ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? द नेम ऑफ द फैमिली इज होमिनिडेई। किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? प्रिमाटा। किस क्लास को बिलोंग करता है? ममेलिया। एंड जो फाइलम इसके लिए यूज होता है दैट इज क्वाडेटा। राइट, सो मैन के केस में हमने ये जितने भी टर्म्स हैं ये लर्न करने हैं। दिस कैन बी अ सिंपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट ऑल दी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे देखो हमने चार एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट। अब इसमें से कोई एक एग्जांपल एनिमल्स के अंडर, ऊपर वाले दो में से, मैन एंड हाउस फ्लाई में से, एंड मैंगो एंड वीट को प्लांट के एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बात का आप ध्यान रखोगे क्योंकि यहाँ पे मैं टेबल एक यूज कर रही हूँ, मैंने इस लास्ट वाले कॉलम में फाइलम एंड डिवीजन को एक साथ रखा है। ठीक है,
लेकिन जब हम अपनी शीट्स पे ये चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, हम प्लांट्स के केस में सिर्फ टर्म डिवीजन यूज़ करेंगे एंड एनिमल्स के केस में सिर्फ फाइल। हमने इसे उब्लिक लगा के यूज नहीं करना, ठीक है, टू वर्क ऑन दी प्रेजेंटेशन। सिमिलरली हम दूसरे एग्जाम्पल्स से रिलेटेड टर्म्स भी लर्न करेंगे और इसको एक फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह लर्न करना है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें लर्न करना है। आपने स्पेसिफिक जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लासेस एंड डिविजन्स को लर्न करना है, इनके बायोलॉजिकल नेम लर्न करने हैं, एंड कॉमन नेम हमें बहुत एविडेंस भी याद है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा चार्ट इज टू बी मेमोराइज वेरी केयरफुली विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। सो ये हमने वर्क ऑन करना है। हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में स्पीशीज टर्म को डिफाइन किया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा स्पीशीज के बारे में, ग्रुप ऑफ रिलेटेड मेंबर्स जिनमें कोई सिमिलैरिटीज होती हैं वो एक स्पीशीज के अंदर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी स्पीशीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इलाबोरेट करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो इस टर्म के साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो अगर मैं स्पीशीज की बात करूँ तो स्पीशीज फंडामेंटल या स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन के, हमने देखा था ये सबसे छोटी है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम है, सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा, और जो सबसे बड़ी यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो क्या है, किंगडम, राइट। सो स्पीशीज इज द फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये टर्म पहली बार रिकॉग्नाइज किया था जॉन रे ने, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड द टर्म स्पीशीज हमने लर्न करना, ठीक है। बट ये जो टर्म स्पीशीज है इट वॉज रिकॉग्नाइज फ्रॉम जीनस, दैट मीन्स कि हमने स्पेसिफिकली जीनस एंड स्पीशीज टर्म्स को अलग अलग किया था, एंड द क्रेडिट वॉज अटेन्ड बाय जॉन रे, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कार्लोस लिनियस की, मैंने आपको पहले भी बोला है कार्लोस लिनियस ऐसे एक साइंटिफिक फिगर है जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है। सो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जो स्पीशीज का, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो स्पीशीज का, वो किसने प्रपोज किया था, कार्लोस लिनियस ने, ठीक है। उन्होंने ये कहा था जो स्पीशीज है वो फिक्स है, इम्यूटेबल एंटिटी है, दैट मीन्स इनमें कोई चेंज कभी भी नहीं होता। सो कार्लोस लिनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्पीशीज आर व्हाट दे आर स्टैटिक इन नेचर, उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो कभी चेंज नहीं होती, दे आर ऑलवेज फिक्स एंड दे आर इम्यूटेबल एंटिटीज। लेकिन हमें पता है देर इज ऑलवेज सम चेंजेस हेयर एंड देयर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीशीज। जिस तरह कार्लोस लिनियस के हिसाब से स्पीशीज इम्यूटेबल एंटिटीज थी, उसी तरह लामार्क ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको हम डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, और इनके हिसाब से जो स्पीशीज हैं वो इम्यूटेबल नहीं बल्कि म्यूटेबल एंटिटीज हैं, वो डायनेमिक एंटिटीज हैं, वो स्टैटिक नहीं है। सो तीन साइंटिस्ट एंड इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन स्पीशीज को रिकग्नाइज करना फ्रॉम जीनस वर्क बाय जॉन रे, कार्लोस लिनियस एंड लामार्क वर डिफरेंट ऑन देयर कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। कार्लोस लिनियस के हिसाब से स्पीशीज कैसी है, स्टैटिक इम्यूटेबल। लामार्क के हिसाब से स्पीशीज कैसी है, डायनेमिक एंड म्यूटेबल, ठीक है। इन साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन हमने लर्न करनी है, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्नेस्ट मायर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की बात करूँ तो ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था अर्नेस्ट मायर ने, एंड इनकी जो डेफिनेशन है दैट इज दी डेफिनेशन जो हमने स्पीशीज की लर्न करनी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट स्पीशीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिजेंबल ईच अदर इन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, बिहेवियरल कैरेक्टर्स एंड आर केपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग। ऐसे मेंबर्स जिनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है, फिजियोलॉजिकल लेवल सेम होते हैं, या उनका बायोकेमिकल नेचर मिलता है, बिहेवियरल कैरेक्टर्स मिलते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें। तो अर्नेस्ट मायर के हिसाब से
बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इनब्रीडिंग मेंबर्स विल फॉर्म अ स्पीशीज। तो ये चार इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हमने लर्न करनी है। इज इट क्लियर? अगर मैं स्पीशीज की डेफिनेशन की बात करती हूँ और स्माया के हिसाब से, तो स्पीशीज को आपस में इनब्रीडिंग मेंबर्स को हम स्पीशीज में कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास चार एग्जाम्पल हैं जो इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये चार एग्जाम्पल किसके हैं? म्यूल, हिनी, टाइगर एंड लाइगर। ये चार एग्जाम्पल हमने लर्न करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं एंड ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शंस कैसे हैं? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हम उन मेंबर्स को ही स्पीशीज में कंसिडर करते हैं जिनमें ये पोटेंशियलिटी होती है कि वो इंटरब्रीड कर सकें, राइट। लेकिन अगर मैं म्यूल की बात करूँ तो ये म्यूल बनता कैसे है? जब मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स ये दोनों मेट करते हैं, सो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स जब मेट करेंगे जो ऑफस्प्रिंग आएगा दैट इज कॉल्ड म्यूल, ठीक है। ऐसा ही एक और ऑफस्प्रिंग है जिसको हम हिनी कहते हैं, और हिनी किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? एक फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स। अब अगर मैं स्पीशीज की डेफिनेशन की बात करूँ, इनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, लेकिन क्या हॉर्स एंड डोंकी सिमिलर हैं? नहीं, बट फिर भी इनमें इंटरब्रीडिंग हो रही है एंड इन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या है? म्यूल एंड हिनी, ठीक है। सो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, दो अलग अलग स्पीशीज में मिक्सिंग हो रही है, इंटरब्रीडिंग हो रही है और इनसे जो प्रोजेनी आ रहे हैं इनको हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं म्यूल एंड हिनी के, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्टेराइल हैं। अगर मैं इन स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स की बात करूँ दैट मीन्स कि ये आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते। दो अलग अलग स्पीशीज मेट कर रही हैं, हमारे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से डिफरेंट, और मेटिंग का एंड रिजल्ट ऑफस्प्रिंग भी है, बट नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या है? स्टेराइल, ठीक है। अब हम ये नेक्स्ट दो एग्जांपल्स हैं टाइगर एंड लाइगर, इनको भी स्टडी कर लेते हैं। तो टाइगर मेल टाइगर एंड फीमेल लायन की कॉम्बिनेशन से बनता है और लाइगर रिजल्ट है मेटिंग का एक फीमेल टाइगर एंड मेल लायन, ठीक है। सो अब इस केस में ये जो स्पीशीज क्रिएट होती है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स बन रहे हैं टाइगर एंड लाइगर, ये दोनों ही फर्टाइल हैं, ठीक है। देखो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग स्पीशीज में मेटिंग हो रही है। टाइगर एंड लायन इनका जीनस सेम है बट दे आर नॉट सेम स्पीशीज, ठीक है ना। हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था टाइगर के लिए स्पीशीज इज टिगरिस, हमने इसको पैंथरा टिगरिस पढ़ा है, लायन इज पैंथरा लियो, दैट मीन्स टिगरिस एंड लियो दो अलग अलग स्पीशीज हैं, फिर भी उनमें मेटिंग हो रही है। मेटिंग का रिजल्ट क्या है? दो ऐसे ऑफस्प्रिंग जिनका नेचर है फर्टाइल, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आता है कि आर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स स्टेराइल और फर्टाइल, या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि क्या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? अगर होती है तो उससे हाइब्रिड्स जो बनेंगे वो फर्टाइल होंगे या इनफर्टाइल? सो ऑब्वियसली द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड इस केस में दोनों ही तरह के ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं। ऑफस्प्रिंग स्टेराइल भी हो सकते हैं, ऑफस्प्रिंग फर्टाइल भी हो सकते हैं एंड हमने इन दो एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज को और इलैबोरेट करके समझाना है कि म्यूल जो कि
मेल मॉन्केन फीमेल हॉर्स से बना है, वो स्टेराइल वेरिएंट है। टाइगॉन जो मेल टाइगर एंड फीमेल लायन की वजह से बना है, ये फर्टाइल है। ठीक है, तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरपर्सनल हाइब्रिडाइजेशन का, इसे बहुत क्लियरली समझना भी है, क्वेश्चन के एंड पे लर्न भी करना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन फॉर द टुडेज लेक्चर इज द टर्म ट्राइब। ये ट्राइब यहाँ पे डिस्कस करने का रीज़न है कैटेगरी। बेसिकली हमने हायरार्कियल कैटेगरीज डिस्कस की हैं, बट ये टर्म ट्राइब ये हमने लर्न इसलिए करना है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे ट्राइब एज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी यूज होती है और हमें इसकी पोजीशन असर्टेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने लर्न क्या करना है यहाँ पे कि ये जो ट्राइब है ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है और इसकी पोजीशन कहाँ होगी, बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। यानी कि अगर मैं अरेंजमेंट की बात करती हूँ, हायरार्की की बात करती हूँ, तो स्पीशीज जीनस, जीनस के बाद आएगी ट्राइब एंड ट्राइब के बाद आएगा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जिसको हम फैमिली कहते हैं। ठीक है, सो ट्राइब को हमने एक इंटरमीडिएट कैटेगरी की तरह सब फैमिली एंड जीनस के बीच में स्टडी करना है। तो इसकी पोजीशन इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, थैंक यू।